इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाती है, इसकी या तो एप्लीकेशन आती है या खुद प्रूफ करने को आती है। ट्रेजेक्टरी का मतलब रास्ता है, पाथ। जैसे इमेजिन करो आपके पास कोई एक, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मैंने ये बोला कि मेरी एक बॉडी ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और उसका जो ट्रेजेक्टरी है, उसका जो रास्ता है वो ये है, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपस में कैसे रिलेटेड हैं? मतलब मैं आपको इस लाइन की इक्वेशन पूछ रहा हूँ इन शॉर्ट। तो किसी ने बताया सर इसकी इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू वाई, तो आप अगर एक्स की वैल्यू पुट करें तो कॉरस्पॉन्डिंग वाई आ जाएगा, तो ये लाइन की इक्वेशन है। फिजिक्स में बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री इसकी स्ट्रेट लाइन है, फिजिक्स में ऐसे बोलते हैं लैंग्वेज, ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन है और ये ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है, राइट। मैथ में बोलते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ या जो भी है एक स्ट्रेट लाइन पाथ है और ये इसकी इक्वेशन है, और फिजिक्स वाले वर्ड ट्रेजेक्ट्री यूज करते हैं, इस पाथ की ये इक्वेशन है। अब मैं ये चाहता हूं कि आप इस ट्रेजेक्ट्री, मैंने ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्शन किया, ग्राउंड से ग्राउंड के प्रोजेक्शन के अंदर आप चेक करें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हर पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, अपनी वैल्यू को चेंज। मुझे रिलेशन चाहिए एक्स का और वाई का, कि अगर मैं आपको एक्स की वैल्यू दूं तो मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू दें, ठीक है। तो मतलब मैं रिलेशन चाह रहा हूं एक्स और वाई आपस में कैसे रिलेटेड हैं, सच दैट, या इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं इस इक्वेशन, इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन बना के दिखाएं। तो देखो x और y का रिलेशन कैसे निकलेगा। मान लो एक मिनट के लिए कोई पार्टिकल ऊपर जा रहा है, अभी टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचा नहीं था, कहीं भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना कि सारे न्यूमेरिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे कर रहे हैं, मान लो भी रास्ते में था। जब रास्ते में था तो इसका कोऑर्डिनेट क्या था x और y का, x, y। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, x कोऑर्डिनेट का मतलब ये दूरी x है, y कोऑर्डिनेट का मतलब ये दूरी y है। यहां से यहां पहुंचने में समय क्या लगा इससे, t, कुछ भी इंस्टेंटेनियस टाइम t। तो ये डायग्राम क्लियर है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v cos थीटा, वर्टिकल v sin थीटा, ठीक है। अगर मैं ये पूछूं कि मुझे x की वैल्यू निकाल के दो, तो आप अपना एक्सिस क्या लिखेंगे ऊपर, x। x एक्सिस में वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है v cos थीटा, तो इक्वेशन अप्लाई करें s इज इक्वल टू vt, s की जगह क्या पुट करें x, वेलोसिटी की जगह क्या पुट करें v cos थीटा, और यहां से यहां आने में समय क्या है t, तो t की वैल्यू आ गई। इक्वेशन में वन क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। तो टाइम आ गया, अब y एक्सिस की बात करते हैं। y एक्सिस में अगर मैं कहूं y निकालना है, तो आप क्या करेंगे, अपना एक्सिस क्या डिफाइन करेंगे, y। y एक्सिस में यहां से यहां जाने में इनिशियल वेलोसिटी y के अलोंग क्या है, v sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है y, यहां से यहां आने का टाइम क्या है t, और ऊपर जाने में एक्सेलरेशन क्या है माइनस g। तो चेक करो इनिशियल वेलोसिटी क्या है v sin थीटा, एक्सेलरेशन क्या है ऊपर जाने की माइनस g, टाइम क्या है t। तो इक्वेशन अप्लाई करें s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s की जगह डिस्प्लेसमेंट y, इनिशियल वेलोसिटी की जगह v sin थीटा इंटू t, हाफ a की जगह माइनस g इंटू t का स्क्वायर। टाइम की वैल्यू सेम है दोनों में, क्योंकि x भी डिस्टेंस t टाइम में कवर हो रहा है, y डिस्टेंस भी t टाइम में कवर हो रहा है, तो क्यों ना इस टाइम को उठा के यहां पे पुट कर दें, तो t की वैल्यू x अपॉन v cos थीटा यहां और यहां पुट कर दें, तो ये क्या बनेगा x स्क्वायर v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये बनेगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। x और y के बीच में रिलेशन आ गया, नोट करो और याद करो इसे। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री प्रूव करने को भी आ सकती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये इक्वेशन वो एक्सपेक्ट करता है कि स्टूडेंट को याद होनी चाहिए। तो लिख लो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री।